गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो हाउ आर यू, आप सब फाइन हैं। तो गाइस आज हम बात करते हैं स्कॉर्पियो के बारे में। ये हमारी स्कॉर्पियो 11 है। तो स्कॉर्पियो 11 लेने से पहले मेरे पास हुंडई की और भी गाड़ियाँ थी, लेकिन जो मज़ा स्कॉर्पियो के अंदर आता है, आप देख सकते हैं कि ये कैसी गड्ढे वाली सड़कें हैं और कितना बुरा हाल है इन सड़कों का, कि इन सड़कों पर इंसान का पैदल चलना भी दुश्वार है। लेकिन गाइज ऐसी सड़कों को पार करने के लिए और ऐसे बुरे सफ़र को आसान बनाने के लिए गाइज मेरी सबसे पहली पसंद वो स्कॉर्पियो है, क्योंकि स्कॉर्पियो एक ऐसी कंफर्ट गाड़ी है कि जो हर मुश्किल सफ़र को आसान बना देती है। तो सो गाइज अगर आप भी अपने सफ़र को आसान बनाना चाहते हैं तो आप भी स्कॉर्पियो में ही सफ़र करें। और इसका माइलेज बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर भी स्कॉर्पियो का माइलेज कम से कम, ये जो आप देख सकते हैं कि ये देखिए आप, ये 13 किलोमीटर से ज़्यादा का माइलेज गाइस ये दे रही है। अभी एक्चुअली बात ये है कि अभी इसकी जो है ना सर्विस नहीं हुई है, अभी भी विदाउट सर्विस चल रही है। नई गाड़ी है, बाद इसकी एवरेज और बढ़ सकती है, मिनिमम 20 तक पहुँचेगी। 15 को कंपनी दे रही है, लेकिन मैंने 20 तक का इससे लिया है, 15-16 तक का लिया है एवरेज। सो गाइज आप अपने सफ़र को आसान बनाएं और स्कॉर्पियो को अपने घर लाएं। हेलो गाइज, हाउ आर यू? सो गाइज इस वक्त हम दिल्ली भजनपुरा पर हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी सुबह के 9:45 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ट्रैफिक किस कदर है। सो ऐसे ट्रैफिक में अगर आप किसी और गाड़ी के अंदर सफ़र करते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे गाइस एसी कूलिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है, कि ये जो बाहर की जो गर्मी है वो एसी जो होता है गाड़ियों का वो नॉर्मली जो है उसको कवर नहीं कर पाता है। लेकिन गाइस आप अगर बात करें महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 की, सो गाइज ये आपको ऐसा एसी देता है कि अगर बाहर का टेम्परेचर 40 है तो गाइज आप गाड़ी के अंदर बैठकर आराम से अपने इस जाम के सफ़र को भी तय कर सकते हैं। सो ये हमारे शादाब भाई हैं, बाकी ये आपको बताएंगे कि स्कॉर्पियो की कूलिंग एसी कूलिंग कैसा होता है। शादाब भाई आप बताएं इसके बारे में। ज़बरदस्त कूलिंग है, इस टाइम देखो हम यहाँ दिखाओ, यंग 2 पॉइंट पे चल रहा है इसका फ़ैन भी और कूलिंग भी, ज़्यादा नहीं हो रही है लेकिन 2 पॉइंट पे भी बेहतरीन कूलिंग कर रही है गाड़ी में। और शायद हम 7 बंदे भी होते हैं, अभी हम नेक्स्ट मंथ जब श्रीनगर गए थे तो यहाँ से पंजाब जम्मू तक गर्मी थी 40-42 डिग्री, पर हमारी 7 बंदे थे, उसके बावजूद हमें गर्मी नहीं लग रही थी 4-5 पॉइंट पे भी एसी चला करके। तो गाइस आप जैसे कि भाई शादाब हमें बता रहे हैं कि सफ़र चाहे कितना भी लंबा हो, अगर महिंद्रा का साथ है तो कोई सफ़र भी मुश्किल नहीं है। सो